नमस्कार दोस्तों, मैं है विशाल। मैकेनिक सपोर्ट विशाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास टाटा विस्टा आई है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि एसी ठंडा नहीं होता और गाड़ी हीट होती है। इसमें हमने ओबीडी स्कैनर लगा के देखा, स्कैनर ही कनेक्ट नहीं होता था। उसके बाद हमने उसको उसका फ्यूज़ रिले ये चेक किया, वो सब अच्छा था। चलो देखा तो उसमें क्या फॉल्ट है। हमने कंप्रेसर का कपलर निकाल के चेक किया कि टेस्ट लैंप लगा के उसमें सप्लाई आता क्या, उसमें भी सप्लाई नहीं आता था, और रेडिएटर फैन में भी सप्लाई नहीं आता था। चलो दिखा दो आपको इसमें क्या फॉल्ट है। अभी इग्निशन स्टार्ट करके कौन सा लाइट आया लगता है क्या देखने का। चलो दिखा दो, अभी इसका इग्निशन ऑन किया है। इसका गाड़ी स्टार्ट करने के बाद दो लाइट लगती है, एक चेक लाइट और एक ऊपर सर्विस का लाइट लगता है। वो लाइट नहीं बंद होता। एक चेक लाइट लगती है और एक सर्विस का लाइट लगती है। अभी गाड़ी स्टार्ट करके ही देखते हैं एसी ऑन हो रहा है क्या। अभी एसी टू पे रखा है और एसी का बटन ऑन किया है। चलो आगे जाके देखते हैं उसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है और रेडिएटर फैन चालू हो रहा है क्या। जैसे ही एसी ऑन करते वो टाइम कंप्रेसर चालू होना चाहिए और रेडिएटर फैन चालू होना चाहिए। अभी ब्लोअर चलता है, ब्लोअर का हवा आती है, जैसे चाहिए वैसे हवा आती है ब्लोअर की। फिर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है और रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है। चलो दिखा दो आपको, ये देख सकते हैं इसका रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है। तुम हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट है वो टाइम फैन घूम रहा है, वो टाइम हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि चोट लग सकती है, इसलिए हाथ से नहीं चेक करने का। अभी उसका फैन नहीं घूम रहा है इसलिए हाथ लगा के चेक किया। और इसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है वो भी दिखा दे। चलो ये देख सकते हैं इसका कंप्रेसर भी ऑन नहीं हो रहा है। ये जो दिख रहा है नौ पीछे वो कंप्रेसर है उसका, उसमें सप्लाई नहीं आ रहा इसलिए वो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, और रेडिएटर फैन में सप्लाई नहीं आ रहा इसलिए ऑन नहीं हो रहा। अभी उसका फ्यूज चेक किया है, अभी उसको रिले चेक करते। ये जो है एसी का रिले, उसमें क्या क्या सप्लाई होते हैं आपको देखा था। चलो ये जो है वो एसी का रिले, ये इधर का ये रिले खोल के अपने को सप्लाई चेक करने को ईजी हो जाएगा। ये जो है एसी का रिले, अभी उसको क्या क्या सप्लाई आता है देखता है। एक वायर में तो डायरेक्ट बैटरी से फ्यूज बॉक्स से सप्लाई आ रहा है, और दूसरे वायर में चेक करते हैं, दूसरे वायर में भी सप्लाई आ रहा है, इग्निशन का सप्लाई आता है दूसरे वायर में, और जो आउटपुट निकलता है उसमें भी सप्लाई आ रहा है। ये देख सकते हैं ये आउटपुट का सप्लाई है। अभी और एक जो अंदर से अर्थिंग आती है ना ग्राउंड, वो आ रही क्या चेक करेंगे। देख सकते हैं ग्राउंड नहीं आ रही, उसमें एक वायर में सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई आना चाहिए एक वायर में नहीं आ रही। एसी का बटन ही आओ नहीं, देख सकते इसका जो सप्लाई आ गया नहीं आ रहा है। इसमें वायर ही चेक किया किधर से टूटा है क्या, कंटिन्यूटी जो आगे वायर आने वाली वो चेक किया। देख सकते हैं इस बटन ऑन है, इधर सप्लाई आना चाहिए वो सप्लाई नहीं आ रहा है। अभी मल्टीमीटर लगा के चेक कर देंगे वोल्टेज कितना आ रहा है। ये जो है वो डायरेक्ट बैटरी से फ्यूज बॉक्स से जो मेन वायर रहती है वो रिले को, वो उसमें सप्लाई आ रहा है। ये देख सकते हैं जो इग्निशन का 12 वोल्ट आता है वो भी आ रहा है वोल्टेज। ये जो ग्राउंड है वो अर्थिंग जो आउटपुट रहती है उसमें सिग्नल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जो वायर है उसमें सप्लाई नहीं आ रही, जो अपने इसी बटन स्विच से आती है वायर उसमें सप्लाई नहीं आए। उसमें स्कैनर लगा के देखते स्कैनर कनेक्ट हो रहा है क्या।
इसमें लिंकिंग का एरर आ रहा है, स्कैनर ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी उसको मैनुअल तरीके से उसका वायरिंग ये चेक करते हैं। जो हम जो हमको जो फॉल्ट मिला है वो आपको दिखा दो। चलो, उसका जो क्रैंक सेंसर का वायर है उसमें सप्लाई आता है क्या, वो चेक करते हैं। इधर क्रैंक सेंसर का सेंसर इधर है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं क्रैंक सेंसर का सेंसर है, वो सॉकेट प्रेस करके निकलने का। अभी उसमें क्या क्या सप्लाई आता है वो देखते हैं। कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं, इसलिए आपको नहीं दिखा है सप्लाई क्या क्या आता है। एक वायर में सप्लाई आता है और एक वायर में सप्लाई नहीं आता। देखते हैं इसका वायर किधर कटा हुआ है क्या। ज़्यादा तो वायर इधर ही टूटता, आगे उधर गेयर बॉक्स ऊपर घिस घिस के वायर टूटता है। ये देख सकते हैं इसका जो वायर है वो टूटा था। हम जो पहले फॉल्ट क्लियर किया था आपको दिखाने के लिए वायर ज्वाइन नहीं किया, पहले ज्वाइन करके गाड़ी का पूरा फॉल्ट क्लियर किया था, आपको देखा था। चलो, रिले में क्या क्या सप्लाई आता है ये देख सकते हैं। जो बैटरी का जो मेन फ्यूज बॉक्स से वायर जाता है वो वायर में तो सप्लाई आ रहा है, ये देख सकते हैं 12 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। अभी दूसरे वायर में चेक करते हैं, जो बीच वाला है जो इग्निशन से 12 वोल्टेज आता है उसमें ही 12 वोल्टेज आ रहा है सप्लाई, ये देख सकते हैं। और जो आउटपुट निकलता है उसमें भी लगा के चेक करते, उसमें आउटपुट सप्लाई आ रहा है क्या। ये देखो इसका आउटपुट भी सप्लाई आ रहा है 12 वोल्टेज। अभी इसको एसी बटन ऑन करके देखते हैं कि उसमें जो अंदर से एसी बटन से जो अर्थिंग आती है वो आ रही है क्या सप्लाई। अभी गाड़ी स्टार्ट करके एसी बटन ऑन करके देखते, पहले ऐसा बटन चालू करने के बाद सप्लाई रिले में सप्लाई नहीं आता था, रिले में सप्लाई नहीं आता था। अभी गाड़ी स्टार्ट किया है, जो आरपीएम का काटा दिखता है वो भी आरपीएम का काटा नहीं चल रहा था। जब गाड़ी स्टार्ट करते हो टाइम आरपीएम का काटा कितना आरपीएम है वो दिखाना चाहिए, वो आरपीएम का काटा ही नहीं दिखा रहा था गाड़ी का आरपीएम कितना है। चलो दिखा दो सप्लाई इसमें आ रहा गया, जो एसी बटन ऑन करने के बाद कितना सप्लाई एसी का आता है वो दिखा दो। जो उसका ही 12 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है अंदर से, जो एसी बटन का वो सप्लाई आ रहा है। अभी रिले लगा के चेक करते कि ये देख सकते सप्लाई आ रहा है उसका भी। अभी रिले लगा के चेक करते कि उसका कॉम्प्रेसर ऑन हो रहा है क्या और रेडिएटर फैन ऑन हो रहा है क्या। अभी इसका रिले लगाते हैं और देखते फैन घूम रहा है क्या, एसी कॉम्प्रेसर ऑन हो रहा है क्या। जब एसी कॉम्प्रेसर ऑन हो जाएगा तभी एसी ठंडा हो जाएगा, पहले सप्लाई नहीं आता था इसलिए ठंडा नहीं होता था और गाड़ी हीट होती थी, क्रैंक वायर टूटने से वजह से ऐसा होता था। अभी गाड़ी स्टार्ट किया है, उसका आरपीएम का काटा ही चालू है। अभी इसका एसी ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका फैन चलता है क्या और एसी कंप्रेसर चलता है, ये देख सकते हैं उसका फैन ही चल रहा है। पहले फैन नहीं चल रहा था, अभी फैन चल रहा है। जब फैन घूमता है वो टाइम हाथ नहीं लगाने का, नहीं तो चोट लग सकती है। ये देख सकते उसका कंप्रेसर ही ऑन हो रहा है, घूम रहा है, देख सकते बंद हो गया क्या, उसके एसी का बटन बंद करने के बाद बंद हो गया। अभी चालू करते और घूमते क्या देखते, देख सकते कंप्रेसर घूम रहा है उसमें सप्लाई आ रहा है। अभी इसका एसी ठंडा हो जाएगा और गाड़ी हीट नहीं होगी। चैनल पे नहीं रहेगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाजू में घंटी दे उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।